Hello students, how are you? Today we will be doing the back exercise of lesson 5, the clothes we wear. Students, do you know? We wear different kinds of clothes according to the season. बच्चों आप जानते हैं ना कि हम सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. इन समर वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, इन विंटर वी वेयर वूलन क्लॉथ्स. We use raincoat and umbrella on a rainy day. People who do special jobs wear uniform. वो लोग जो special job करते हैं वो uniform पहनते हैं. जैसे postman है, doctor है, nurse है, students है. Do you know? Cotton, wool, silk are natural fibers. Nylon, polyester and rayon are man-made fibers. Let's start the back exercise. Question number A. Pick the correct answer. First, we wear cotton clothes in. हम cotton cloth कब पहनते हैं? Summer या winter? Summer. Summer is the correct answer. Second, we wear woolen clothes in. Summer या winter? Woolen cloth कब पहनते हैं हम लोग? विंटर में. विंटर इज द करेक्ट ऑप्शन. थर्ड, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म. हमें सिल्क किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से मिलती है. सिल्क वॉर्म इज द करेक्ट आंसर. नंबर फोर, ऑन अ रेनी डे वी यूज ए और एन, यानी कि रेनी डे में हम क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला या स्टिक? एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर बी. राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. जी, हमने सेंटेंस दिए हुए हैं. जो स्टेटमेंट ट्रू है वहाँ हमने क्या लिखना है? टी. और जो फॉल्स है वहाँ पर हमने एफ लिखना है. फर्स्ट इज क्लोथ्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स. अभी मैंने आपको बताया ना कि क्लोथ्स होते हैं अलग अलग काइंड प्रकार के होते हैं. तो ये राइट है हमारा, तो ट्रू आएगा. सेकंड, कॉटन क्लोथ्स आर वार्म. कॉटन क्लोथ्स वार्म होते हैं, गर्म होते हैं? नो, कॉटन क्लोथ कूल होते हैं. तो ये क्या है? फॉल्स, एफ. थर्ड, वी गेट वूल फ्रॉम शीप. तो हमें वूल किससे मिलती है? शीप से मिलती है. तो राइट है हमारा, करेक्ट है. तो टी आएगा, ट्रू. नंबर फोर, वी यूज गम्बूट्स इन रेनी सीजन. हम रेनी सीजन में क्या यूज करते हैं? अम्ब्रेला, गम्बूट. तो ये राइट है ना हमारा, तो क्या आएगा? टी. फाइव, सम पीपल वेयर यूनिफॉर्म. तो कुछ लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं जो स्पेशल जॉब करते हैं. तो ये क्या है हमारा? ट्रू. क्वेश्चन नंबर सी. फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस. अब इस बॉक्सेस में वर्ड्स दिए हुए हैं, तो जो वर्ड राइट है तो हमने यहाँ पर फिल करना है. फर्स्ट हमारा है, वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द डैश सीजन. हम सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं. सीजन वर्ड आएगा, एस ई ए एस ओ एन. सेकंड, इन समर वी वेयर डैश क्लोथ्स. समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन के. तो हमारा सेकेंड आंसर क्या है? कॉटन. थर्ड, वूलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ. वूलन जो क्लोथ्स होते हैं किससे बने होते हैं? वूल से. नेक्स्ट, पेज नंबर 29. मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर ई. अब देखिए यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं. यहाँ देखिए पिक्चर दी हुई है, यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं. एस्ट्रोनॉट, नर्स और सोल्जर्स. अब हमने इनको मैच करना है उस पिक्चर से. एस्ट्रोनॉट, देखिए ये है एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं. ठीक है, वहाँ जाके वो सर्च वगैरह करते हैं स्पेस में. जैसे पीछे मून पे गए थे लोग. ठीक है, तो सेकंड हमारा है नर्स. अब नर्स कौन सी है? ये देखिए, ये है नर्स. थर्ड, सोल्जर्स, सैनिक को बोलते हैं हम लोग. नेक्स्ट, पेज नंबर 29.
क्वेश्चन नंबर ए, पेस्ट योर फोटोग्राफ इन योर स्कूल यूनिफॉर्म। बच्चों आपने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में जो आपकी स्नैप है, आपके पास फोटो है, वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है स्कूल यूनिफॉर्म में। ओके, एंड सेकंड, टेक अ लेडी फिंगर्स एंड कट इट इनटू हाफ, डिप इट इनटू पोस्टर कलर्स एंड गिव इम्प्रेशंस ऑन द गर्ल्स ड्रेस एज शोन। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, आपने क्या करना है, लेडी फिंगर लेनी। लेडी फिंगर मीन्स भिंडी, था ना, भिंडियों को बोलते हैं लेडी फिंगर, अच्छी लगती है खाने में आपको, तो आपने उसके लेडी फिंगर का कट करना है आपने, और उसको आपने पोस्टर कलर में, पोस्टर कलर में आपने उसको डिप करना है, आपने उसको अलग अलग कलर में डिप करना है। और देखिए ये जो है ना गर्ल, इसने ड्रेस डाली हुई है, आपने इस ड्रेस के ऊपर देखिए ऐसे यहाँ किया हुआ, देखिए रेड कलर से, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तो आपने ऐसे ही जो लेडी फिंगर को लेकर आपने इसको डेकोरेट करना है। थैंक यू।